सुजानपुर शहर में रेड़ी फड़ी धारकों के लिए बनने वाले पक्के खोखे बनने से पहले ही विवादों में आना शुरू हो गए हैं। आलम यह है कि खोखे बनाने का श्रेय और बजट प्रावधान एक ओर जहां भाजपा पार्टी ले रही है, वहीं दूसरी ओर भूमि स्थानांतरण प्रक्रिया एवं फाउंडेशन स्टोन तमाम कार्रवाई करने का श्रेय कांग्रेस पार्टी ले रही है। दोनों पार्टियां इस बात में लगातार एक दूसरे के सामने आ रही हैं और इसी बीच एक दूसरे के प्रति जुबानी जंग भी चरम सीमा पर पहुंच गई है। सुजानपुर भाजपा शहरी इकाई सचिव प्रकाश सुड़ियाल का कहना है कि खोखे निर्माण के लिए 62 लाख के बजट का प्रावधान केंद्रीय वित्त राज्य एवं कॉरपोरेट मंत्रालय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है और ये पैसा संबंधित विभाग के पास पहुंच भी गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता एवं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रमन भटनागर ने बजट जारी होने के इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं साथ में ये भी कहा कि खोखे निर्माण के सपने को धरातल पर उतारने का सारा श्रेय सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा का है। अगर वे वर्ष 2016 में भूमि स्थानांतरण प्रक्रिया इत्यादि न करवाते तो न तो खोखे बनते और न ही इनके लिए बजट का प्रावधान होता। बताते चलें कि सुजानपुर शहर में रेड़ी फड़ी धारकों के लिए पक्के खोखे बनाने का सपना वर्ष 2016 में उस समय के विधायक राजेंद्र राणा ने बुना था और उस समय नगर परिषद अध्यक्ष रमन भटनागर ने विधिवत विधायक की मौजूदगी में नीम पत्थर रखवा दिया था, लेकिन उसके बाद निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। अब हाल ही में इनके निर्माण को लेकर सांसद अनुराग ठाकुर ने बजट का प्रावधान करवाया है और निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा संबंधित घोषणा भी की है। नगर परिषद के वर्तमान अध्यक्ष अशोक मेहरा की माने तो दिवाली के आसपास विधिवत नए तरीके के नीम पत्थर रखवा कर निर्माण कार्य उसी समय शुरू करवाया जाएगा। युद्ध स्तर पर कार्य शुरू करके इनका निर्माण कार्य पूरा होगा और इन्हें रेडी फड़ी धारकों को दे दिया जाएगा। ये 2016 में जो है खोखो की जमीन जो जब मैं प्रधान था और जिंदर राणा जी के सहयोग से उनका इसमें बहुत बड़ा सहयोग था, जो जगह ये ट्रांसफर की गई है, ये जो आज सुविधा मिल रही है खोखे वालों को, इसमें सबसे ज्यादा सहयोग जो जिंदर राणा जी का है। उसी आपदा प्रबंध बोर्ड के अध्यक्ष थे और मैं अध्यक्ष था उस वक्त। मैंने उनसे मांग रखी थी कि हमें खोखे बनाने यहाँ पर, तो हमें जगह जो है ट्रांसफर की जाए, तो उनके आशीर्वाद से यह जगह ट्रांसफर हुई है। उन्होंने बहुत मेहनत की थी। आज जो ये पैसे आए हैं ये जिंदर राणा जी की ही देने की जगह ट्रांसफर हुई, तब पैसे जो आए हैं और ये गरीब लोगों के लिए खोखे बने हैं। मैं इसका स्वागत करता हूँ। जो पैसे हैं खोखे बन रहे हैं, एक गरीब जनता की मांग थी और इसमें राजिंदर राणा जी का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग था। क्वेश्चन नहीं करना, मैं माननीय वित्त राज्य मंत्री लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने सुजानपुर वासियों की जो लंबे अरसे से चली आ रही डिमांड की, जो यहाँ की खोखा मार्केट थी उसको पक्का करने की, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने 61 लाख रुपये इन खोखों के लिए सैंक्शन किए हैं। और मैं साथ में धूमल जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस सुजानपुर के लिए बहुत कुछ परियोजनाएँ अपनी सोची हैं। और आज सुजानपुर की जनता को जैसे खोखा धारकों के लिए एक प्रलोभन दिया गया था, और आज खोखो धारकों की एक जब सुजानपुर के विधायक ने इन खोखों का शिलान्यास किया गया, तो जो शिलान्यास किया गया वो भी खोखा धारकों के पैसे से ही किया गया था। और इनकी इनका कहना है कि जब खोखा धारकों ने पैसा इकट्ठे करके उसका शिलान्यास किया गया, तो भी उन्होंने सुजानपुर के विधायक ने डोंग किया कि मैं ऐसे खोखे बनाऊंगा वैसे बनाऊंगा, लेकिन किया कुछ नहीं। और ऐसे ही पूरे क्षेत्र में कई ऐसे बोर्ड लटके हैं, कोई शिलान्यास किए गए हैं बिना आधार के, बिना पैसे से। तो आगे भविष्य में ऐसे ढोंगबाजी ना की जाए और जो काम करने किए जाएँ वो प्रॉपर जनता के विश्वास से किए जाएँ। जैसे अभी हमारे सांसद अनुराग ठाकुर जी इस प्रोजेक्ट जो और इन खोखा धारकों के लिए सुविधा जो प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं, ऐसे काम करें, ना कि अनाप शनाप या झूठे प्रलोभन देकर जो जनता को ठगा जाए। जो 2017 में शिलान्यास झूठे शिलान्यासों से सत्ता में आए हैं, उसका जनता आने वाले समय में जवाब दे देगी। धन्यवाद।